नमस्कार, नव भारत टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आज खबरों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा भ्रूण हत्या पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन का फिलहाल अब असर देखने को मिल गया है, जिसमें सीएमओ मुरादाबाद और सीएमओ संभल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल उनकी जांच कितना रंग लाती है ये तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल ही जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों पर, तो आज की सबसे बड़ी खबर है सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल की कीमत, जिसने आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिस पर सरकार कोई भी फैसला लेने में बिल्कुल असमर्थ है। आज भी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल में 48 पैसे तो वहीं डीजल में 52 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले महीने अगस्त में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार बढ़ोतरी जारी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भी लगातार तेजी हो रही है। इसके अलावा रुपए में जारी गिरावट का असर भी ईंधन की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे संवाददाता सत्यम सिंह पहुंचे जनता के बीच और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 11 दिनों में 8वीं बार आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। इस बार पेट्रोल में 48 पैसे और डीजल में वहीं 12 पैसे की बढ़त हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त होने की वजह से आम आदमियों की जेब पर काफ़ी भार बढ़ गया है। आइए बात करते हैं इस महंगाई के भुक्तभोगियों से, कुछ आम आदमियों से जिनकी जेब पर भार बढ़ा है और जिन्हें रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत हो रही है पेट्रोल के चक्कर, पेट्रोल दाम बढ़ा तो कम मिलता है चलाने को भी। वैसे स्कूटी पापा मना भी करते हैं कि मत चला जाता। तो पिताजी की जेब पे कितना भार बढ़ गया, कितने रुपए पर मंथ का खर्चा ज़्यादा हो रहा है? अब देखो 1200 तो लग जाता है। ऐसे मेरा यहाँ कोचिंग पे आता हूँ, इस चक्कर में उससे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, घर पे ही इधर उधर बस। और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है, तो आपको आपकी जेब पर कितना भार बढ़ गया, आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से? देखिए पेट्रोल जो है डेली घटता है, डेली बढ़ता है, ज़्यादा मुश्किलों का सामना तो नहीं करना पड़ता, बिकॉज जो डेली अमाउंट है ये रोज़ की ज़रूरत है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर 1-2 रुपये बढ़ रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे चीज़ सस्ती हो रही है, जैसे दाल वगैरह सारी 100 से नीचे हैं, तो पेट्रोल को लेकर मुद्दा बना देते हैं लोग, जो जितने पॉलिटिशियन हैं, पेट्रोल को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। 1-2 रुपये ऊपर नीचे डेली होता रहता है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई पेट्रोल भरवा रहा है 5 लीटर भरवा दिया, 2 रुपये बढ़ गए 10 रुपये मैक्सिमम, तो जो गरीबों के लिए चावल है राशन है वो सस्ता होगा। लेकिन सर डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से किसानों को भी तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उनको तो मास में डीजल खरीदना पड़ता है, उनको काफ़ी ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, उन्हें डीजल की ज़रूरत पड़ती है, बट किसानों के लिए मोदी जी कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ पर्टिकुलर किया नहीं है, बट योजनाएँ बनाई जा रही हैं उनके द्वारा ताकि किसानों को फ़ायदा हो। और जैसे कि अभी किसानों के लिए डीजल महंगा हो गया, उनके लिए दिक्कत है। बाकी सारी चीज़ें अगर एक साथ कंपेयर करें तो मोदी गवर्नमेंट बैठे कर रही है। अकॉर्डिंग अगर पेट्रोल का मुद्दा लें, पेट्रोल को छोड़कर सारी चीज़ें ना कर रही अच्छे कर रही है। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उससे आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर पहली बात तो हमें राशन महंगा मिल रहा है, सब्जी महंगी मिल रही है, यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल का जो है कैराम किराया है वो भी महंगा होने लग गया है। और अपने खुद के आने जाने के लिए तो स्वाभाविक है ही है महंगा। हम तो नौकरी कर रहे हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, और तो इसमें भी जो है कुछ नहीं मिल पाता, बचता ही नहीं है कुछ भी, वो कहाँ से पूरा करेंगे। और तेल महंगा होने से जो है हमें कह रहे हैं और भी जो फ़ायदे हैं वो हमें नहीं मिल पाते। सर इससे आपके मंथली बजट पे कितना प्रभाव पड़ा है, कितना बढ़ गया बजट? कम से कम ये मान के मंथली बजट में ये मान के चलो बचता तो कुछ है ही नहीं, कुछ 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह में क्या बचता, कुछ भी नहीं बचता। कितना भी घोटे हैं हम अपने पास, हमारे पास बचता ही नहीं है, ऊपर से कर्जा पड़ता है हमको। बढ़त कितना हुआ है आपका खर्चा जो है वो कितना बढ़ गया पेट्रोल का? ये पेट्रोल का खर्चा तो ये तो मान के चलो कम से कम 1000 रुपये से कम से कम मान के चलो, कम से कम मान के। इसके लिए आप किसको दोषी पाते हैं? हम तो दोषी पाएंगे जो ऊपर से जो गवर्नमेंट जो इसको वो कर रही है उसके उस पर दोषी पाएंगे। हर कोई यही कहता है,
कि ये सब जो है अपने लिए तो जितने भी नेता हैं सब अपना खा रहे हैं, उनके लिए जो है क्या कहते हैं उनके लिए सब कुछ मिल रहा है, यहाँ तक कि जो है बिजली के बिल वगैरह हर चीज़ उनको मिल रही है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कुछ नहीं है। उनको पेंशन मिल रही है हर उसमें जो है जिसमें रिटायर्ड हो रहा है तो उसमें भी उनको जो है पैसे मिल रहे हैं। एक बार नहीं सांसद है, एमपी है, दूसरा जो है वो क्या कहते हैं राज्य उसका जो है उसको सबको मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, हमें तो जो है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से आम आदमी की को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। उन्होंने कहा है कि हमें इसमें सारी मुख्य विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी मिला है। देखते हैं ये भारत बंद कितना सफल होता है और इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता और विपक्ष के खेल में आम आदमी का कितना नुकसान हो रहा है, उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं सत्यम सिंह, नवभारत टुडे।